ओके, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा रिव्यू स्मार्टफोन के माइक से, क्योंकि जो मेरा बोया BY-M1 माइक है वो हो चुका है खराब। मैंने नया मंगाया था, उसके अंदर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, तो मैं सोचा कि इसके अंदर ही सीधा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के रिव्यू से। काफी ज्यादा पेंडिंग हो गया था तो मैंने इसको इन डेप्थ टेस्ट कर लिया है अच्छे से जितना हो सकता था, और भाई आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। मतलब आप सुनो पूरा रिव्यू, आपको तब समझ आएगा कि आपको ये स्मार्टफोन क्यों कंसिडर करना चाहिए। डिजाइन की बात करते हैं तो यार स्मार्टफोन सही में जब आप हाथ में होल्ड करोगे ना, आपको तब पता लगेगा कि कितना ज्यादा प्रीमियम है। इन हैंड फील स्मार्टफोन का एक नंबर का है। मतलब आप इसे हाथ में लोगे ना, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ प्रीमियम चीज पकड़ रखी है सीरियसली। मतलब बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच। डिस्प्ले के अंदर आपको 2K रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, अप टू 2K रेजोल्यूशन, पर जब स्मार्टफोन जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है वो आपको फुल HD पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप स्विच कर लेना 2K पे क्योंकि पैसे भरे आपने। ठीक है, LTPO 3.0 पैनल है तो वेरिएबल आपको देखने को मिलती है। रिफ्रेश रेट 1 से 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है, जिससे कि आपकी बैटरी भी बचती है और काफी ज्यादा आपको मजा भी आएगा मतलब स्मार्टफोन यूज करने में, ये बता रहा हूं। और कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, तो कर्व्ड स्क्रीन में आपको डिसएडवांटेज ये देखने को मिलती है एक्सीडेंटल टचेस की, पर इसमें उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है साइड में इन सेंसिटिव जोन का, तो वहां पे आप देख सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन वाइड, डिफॉल्ट और स्मॉल। तो उसके अंदर जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो वहां पे वो एक्सीडेंट टचेस होने से आपका बचा देगा। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डिस्प्ले के अंदर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि 10 में से 8 बार आपका चल जाता है, और 2 बार जब आपके हाथ में चिकनाहट लगी होती है या पानी लगा होता है तो प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, अगर अल्ट्रासोनिक होता ना इस जगह एक नंबर की बात हो जाती, पर क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर रखी है कंपनी ने, जो कि मैंने आपको बता दी है। स्मार्टफोन भारी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको एक उंगली पे इजीली आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि स्मार्टफोन पीछे की तरफ हो रहा है, क्योंकि जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो एक उंगली पे भी आपका फोन देख सकते हो इजीली बैलेंस हो जाता है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्टफोन का काफी अच्छा है। तो UFS 4.1 की स्टोरेज स्पीड देखने को मिलती है और LPDDR5X रैम देखने को मिलती है। ऑप्टिमाइजेशन MIUI 14 के अंदर टॉप नॉच है। फ्लैगशिप फोन के अंदर MIUI यूज करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि MIUI कैसी है, और जब आप 10-15 हज़ार के स्मार्टफोन के अंदर यूज करोगे तो आपको उसके अंदर बग्स वगैरह और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। रैम मैनेजमेंट इतनी स्मूथ है, मैं खुद देख के हैरान हो गया था। मैंने गेम छोड़ रखी थी साइड में, वो गेम मेरे को ऑन मिली, मतलब एसफॉल्ट 9, मैं खुद ज्यादा शॉक हो गया था। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से रैम मैनेजमेंट कर रखी है MIUI 14 के अंदर, और काफी ज्यादा लाइट है। जो छोटे फोन होते हैं ना 20,000-25,000 तक में, उसमें आपको जिटरिंग थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ MIUI 14 टॉप एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। टॉप एक्सपीरियंस, फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलने वाला है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो प्ले स्टोर में मेरे पे 2-3 बार दिक्कत ये हुई थी कि कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा था, मतलब मैंने इंस्टॉल दबा रहा हूँ 99% पे अटक जा रहा है। तो यार ये UI की तो दिक्कत होगी नहीं, शायद प्ले स्टोर की दिक्कत होगी गूगल की तरफ से, पर जो भी है मैंने आपको बता दिया 2-3 बार दिक्कत आई थी, उसके बाद से एक बार भी अभी प्रॉब्लम नहीं आई है, इजिली मक्खन चलता है। गेमिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एसफॉल्ट 9 मैंने नो लैग के साथ खेली है, और ना ही अब मेरे को गेंशन इंपैक्ट में कोई लैग देखने को मिलता है, मतलब इजिली चल जाती है सारी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है भाई, तो चलेगी आपको पता ही है। ठीक है, तो फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, हीट होता है हल्का सा, तो आपको बता दूं कि दिल्ली की गर्मी भी इतनी होती है कि फोन हीट ऑब्वियसली बात है हो गई होगा, और मेरा कमरा टॉप पे तो वहां पे तो भाई हीट इतनी हो जाती है। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ इतना हीट नहीं होता, गेमिंग करोगे तो थोड़ा सा वार्म होगा, और डेली यूसेज में इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी हीट नहीं होने वाला है, इजीली आपका मक्खन परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बैटरी यार सबसे बढ़िया लगी है मुझे इसके अंदर, मतलब क्या ही बैटरी है यार। 19 मिनट में स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज, समझ रहे हो, मतलब 19 मिनट में आपका स्मार्टफोन 10 से 84 या 85% हो जाता है, मैंने इतना नोट कर रखा है, मतलब अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने टाइमर लगा देता हूँ, सेट अलार्म फॉर 19 मिनट्स, और उतने में मेरा फोन 10 से आपका 84-86% तक हो जाता है। तो भाई बैटरी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है इसकी, और इसकी जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है 10 वॉट की, और ये 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो भाई वायरलेस चार्जर मैंने चाइना से इंपोर्ट कराया, वो आ जाएगा परसों तक, अब देखते हैं वो कब आएगा, अगर होगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इजीली 4.5 से 5 घंटे तक आपको बैकअप दे देगी, इनफ है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हैवी यूसेज में बता रहा हूँ आपको ये 4.5 से 5 घंटे का, और अगर आपका इतना हैवी यूसेज नहीं है तो आपको इजीली 5.5 या 6 घंटे तक का बैकअप दे देगी। जो 4.5 से 5 घंटे का जो मैंने आपको बैकअप बताया ये मेरे को मिला है ब्लूटूथ ऑन प्लस वाईफाई ऑन में। ठीक है, और 5G भी स्मार्टफोन सपोर्ट करता है ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी आपको
मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तो 5G पे रहता है, तो उसमें भी बैटरी कंज्यूम उतनी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब 4.5 से 5 घंटे 5G पे, वाईफाई पे, ब्लूटूथ तो देखो कनेक्ट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को सही लगा है बैकअप। और 2K डिस्प्ले पे मैंने स्विच कर रखा है, फुल HD भी स्विच नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आपको इतना बैकअप देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स आर सीरियसली वेरी लाउड, स्पीकर्स में मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है और ना ही वाइब्रेशन से शिकायत है। बॉटम में और टॉप में स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि डॉल्बी के साथ आते हैं। कैमरा यार, इस स्मार्टफोन का कैमरा इस प्राइस रेंज के अंदर टॉप नॉच है, और यार S23 iPhone 14 Pro Max तक को टक्कर दे देगा इजीली। भाई इजीली क्या, दे दिए भाई, मेरे को उनसे अच्छी फोटोज इस स्मार्टफोन की लगी, और जितने भी मेरे आसपास जितने भी बंदे हैं ना, उन सबको भी इसी स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा लगा है। बंदे iPhone छोड़ छोड़ के मेरे पास आ रहे कि भाई फोटो खींच दे। तो मैं आपको क्या बताऊं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख के हिसाब लगा सकते हो कि स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है। डायनेमिक रेंज, कॉन्ट्रास्ट, आपको ऐसा लग सकता कि सारी फोटोज मैंने कैमरे से लिया बट ये फोटोज मैंने लिए स्मार्टफोन से, और स्मार्टफोन से ऐसी फोटोज निकल जाए तो भाई बात ही अलग है। 1 इंच का जो IMX989 सेंसर देखने को मिलता है ना, और लाइका के साथ जो पार्टनरशिप करके कंपनी ने निकाला है, भाई आप अपनी स्क्रीन पे देख के खुद ही जान जाओ, मेरे को कोई भी इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी फोटोज मैंने आपके सामने रख दी है और ये फोटोज ही आपको बता देगी कि स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है। जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना स्मार्टफोन का कैमरा, वो 1 इंच का सेंसर तो है ही, उसके साथ जो 5mm का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है ना, जो कि मैक्रो में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो मेरे को सबसे अच्छा देखने को लगता है, ठीक है। और जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है ना, 3 जो पोर्ट्रेट मोड्स देखने को मिलते हैं, वो भी लाजवाब है। जब आप उसके अंदर फोटोज क्लिक करोगे ना, आपको तब पता लगेगा कि कितनी बेहतरीन आपके पोर्ट्रेट्स निकल के आ रहे हैं। DSLR लेवल लाइक ब्लर देखने को मिलता है और अच्छे से मैनेज कर पाता है। जितने भी फोटोज मैंने क्लिक करी है ना, ये सारी फोटोज आपको लाइका ऑथेंटिक मोड में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि 2 मोड आते हैं इसके अंदर, लाइका वाइब्रेंट और ऑथेंटिक। नाइट की फोटोज आप देख लो, मतलब टॉप नॉच। तीनों कैमरा मतलब काफी ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखे हैं शाओमी ने लाइका के साथ, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब अल्ट्रा वाइड भी डेलाइट में इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि मैं बता रहा हूँ कि सेंसर जो 1 इंच का ना, उसके साथ ही कलर मैच हो रहे हैं बिल्कुल। टेलीफोटो का भी देख लो आप, अपना अल्ट्रा वाइड भी देख लो और अपना 1 इंच का सेंसर भी देख लो। लो लाइट में जब ज्यादा लो लाइट हो जाती है ना, तब 1 इंच का सेंसर अच्छा काम करता है, पर अल्ट्रा वाइड वहां पे फेल हो जाता है, ठीक है। पर जो सिंपल आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है, इंडोर लाइटिंग होती है, वहां पे भी लो लाइट में अल्ट्रावाइड कैमरा अच्छा काम करता है। तीनों ही कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। वीडियोस की बात करें तो ग्रेन्स नहीं है, देखो है थोड़ी थोड़ी कंडीशंस में आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, पर काफी ज्यादा मेरे को वीडियोस अच्छी देखने को मिलती है। कि मतलब ना मैं ये देख रहा हूं, एंड्रॉइड कंपनीज ना धीरे धीरे ना आईफोन को टक्कर देने लग गई है वीडियोस में, ठीक है, जो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड में कोई भी किंग नहीं था वीडियोस में, और देखो अभी भी नहीं है, पर हां धीरे धीरे कंपनीज कैचअप कर रही है। एप्पल को मुझे लग रहा है कुछ दिन जाए ये, मतलब अगर एप्पल ने काम अच्छा नहीं करा ना, ये इनकी वीडियोस का जो वो मिला हुआ इन्हें दर्जा की, हाँ भाई ये इनकी वीडियोस अच्छी है, तो वो भी छिन जाएगा भाई, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर वीडियो क्वालिटी की कैपेबिलिटीज है ना, मुझे नहीं लगता भाई ज्यादा देर टिक पाएगा एप्पल, क्योंकि भाई मेरे को क्वालिटी सीरियसली बहुत अच्छी लगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारी वीडियोस इससे शूट हुई है, 8K 24fps तक शूट कर सकता है, पर 8K वाली देखो यूसेज सही नहीं लगी मेरे को, मतलब 8K 24 में थोड़ा आपको जिटर देखने को मिलता है, थोड़ी वीडियो चौपी चौपी सी लगती है। अगर 30fps तक होता तो सही रहता, 8K तो अभी सैमसंग में ही आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 30fps देखने को मिलता है। स्लो मोशन भी आप देख सकते हो, 1960fps पे रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब इतना ज्यादा स्लो हो जाता है ना सीरियसली, पर आपको लाइट चाहिए अच्छे से तभी आपका अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगा, क्योंकि रात में तो बिल्कुल ही बेकार फुटेज आएगी, लाइट चाहिए अच्छी स्लो मोशन के लिए। सेल्फी कैमराज आप देख सकते हो, ठीक है डे लाइट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छी फोटोज आ जाती है, पर यार सेल्फी वीडियो 1080p 30fps पे कैप है, मतलब क्या यार इतना महंगा फोन, 80,000 रुपए तुम फोन के दोगे और उसमें भी सेल्फी कैमरा, इतना 15,000 का सेल्फी कैमरा लगा के दे रखा है भाई, एक बात बताओ क्या तुक बनती है, मुझे ये समझ नहीं आता 15,000 का सेल्फी कैमरे का क्या तुक बनती है स्मार्टफोन में। आई होप जो 14 प्रो स्मार्टफोन कंपनी निकाले उसके अंदर सुधार करे, ये इसके अंदर जो डाल रखा है 15,000 का कैमरा है, हालांकि 32 मेगापिक्सल का, बट यार बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं लगता मेरे को, जो पीछे जो रियर कैमरे में काम कर रखा है ना कंपनी ने, वैसा काम अगर ये फ्रंट कैमरे में भी कर देते तो भाई सीरियसली क्या बात होती। और एक IP68 रेटिंग देखने को मिलती है नहीं मिलती, इसमें मैं भी
कंफ्यूज्ड हूँ यार, क्योंकि देखो कंपनी ने इंडियन मॉडल में तो डाला नहीं, ग्लोबल मॉडल्स में तो आपको देखने को मिलता है, पर ये मेड इन इंडिया है। क्या पता प्राइस डाउन करने के चक्कर में उन्होंने IP68 रेटिंग इंडिया में नहीं दी, क्या कह सकते हैं। अब देखो ग्लोबल वेरियंट में तो है, अब इंडिया वेरियंट में उन्होंने सारा फोन यहीं आके असेंबल करा है, उसमें IP68 डाली या नहीं डाली हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो भाई देखो बचा के रखना, पानी वानी में मत डाल देना, ठीक है। 5G स्पीड्स आपको टॉप नॉच देखने को मिलती है, बिल्कुल भी नेटवर्क में दिक्कत नहीं आने वाली है। सीरियसली iPhone 14 Pro के साथ 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 स्पीड टेस्ट करके देखा था, इसके अंदर ही ज्यादा स्पीड आ रही थी, तो मैं शॉक हो गया वहीं पे। तो मतलब अच्छा नेटवर्क रिसेप्शन है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यार देखो कॉन्स इसके अंदर सिर्फ तीन ही है, देखो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, प्रोज ही प्रोज भरे पड़े हैं स्मार्टफोन के अंदर। एक तो USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा एवरेज है, और तीसरा है यार इसके अंदर जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है यार, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट होता ना तो मजा आ जाता। ये तीन कमी जो है ना बस, और यार इतनी बड़ी भी कमी नहीं है। देखो सही बताऊं तो फ्रंट कैमरा चल जाता है, ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम आपका। USB 2.0 छोड़ो, मैं तो अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करता हूँ PC में वाया नियर बाई शेयर, जो गूगल ने अभी अभी निकाला है, नियर बाई शेयर से सब कुछ शेयर कर देता हूँ मैं इजीली, उसमें दिक्कत होती ही नहीं है। और जो तीसरी दिक्कत है अल्ट्रासोनिक, यार उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर इतनी भी दिक्कत नहीं, अगर आपके हाथ चिकने होंगे ना तब प्रॉब्लम होगी थोड़ा बहुत पहचानने में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर को। इस प्राइस रेंज में जो आपको ये मिल रहा है ना स्मार्टफोन 70,000 में आफ्टर ऑल कार्ड एंड बैंक डिस्काउंट, थोड़ा सा जो भी होगा 70 to 72,000, उस प्राइस रेंज के अंदर आपको जो चीज मिल रही है ना Xiaomi की तरफ से, Xiaomi इंडिया ने पहला एक ऐसा स्मार्टफोन निकाला है इंडिया में जो कि यार वैल्यू लेके आ रहा है। मतलब यार सही में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कहता Xiaomi से कि Xiaomi ऐसा स्मार्टफोन निकाल सकती है। दिल अंदर से खुश है भाई स्मार्टफोन को यूज करने में, मैंने अपने हार्ड एंड मनी लगा रखा है, एक एक रुपया वसूल है मेरा, ठीक है। छोटे मोटे बक्स तो देखो ऑब्वियस ही बात है सब स्मार्टफोन के अंदर होते हैं, आईफोन ले लो सैमसंग ले लो सारे के सारे। और हाँ आपको ये भी लग सकता है कि यार 80,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, इससे बढ़िया आईफोन ले लो, यार देखो सभी लेते हैं आईफोन तो, ठीक है। पर आईफोन के अंदर आपको वही 60Hz की डिस्प्ले मिलेगी 14 प्लस के अंदर, और आपको नॉच देखने को मिलेगी इतनी बड़ी, जो कि यार क्या फायदा है यार, जब 2K प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रही है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही है, एल्यूमिनियम पैनल देखने को मिल रहा है, 19 मिनट में जब आपका फोन चार्ज हो जाएगा ना खुशी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप शटर बटन क्लिक करोगे ना जब स्मार्टफोन लोगे, आपको तब पता लगेगा कि हाँ भाई स्मार्टफोन का कैमरा सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया स्मार्टफोन के बारे में, जो जो मैंने ऑब्जर्व करा, जितने भी मेरे को प्रॉज लगे कॉन्स लगे मैंने आपको रियलिटी में सब बता दिए, और अब आपके हाथ में आपका डिसीजन, जो भी आपको देखना है एक बार आईफोन को छोड़ के स्मार्टफोन कंसीडर करके देखना, और आपको पता लगेगा कि कैमरा क्या टॉप नॉच है, जो आपको चीज मिल रही है ना 70-80,000 रुपए में, नो वन कैन गिव यू, ठीक है।